हाय हाय गाइस, गाइस। कैसे हो आप लोग? तो हम लोग आज जा रहे हैं राजस्थान के लिए, जो हम लोग वहाँ 4-5 दिन रुकने वाले हैं, जिसमें से हम लोग पहले रुकेंगे कुंभलगढ़। तो हम लोग आपको पूरा कुंभलगढ़ बताएंगे कि कुंभलगढ़ में क्या क्या है घूमने के लिए। उसके बाद हम लोग आपको बताएंगे आबू रोड में क्या है। उसके बाद हम लोग जाएंगे लास्ट में 31st को माउंट आबू। तो वो माउंट आबू में भी हम लोग आपको बताएंगे कि वहाँ घूमने के लिए क्या क्या है। तो चलो गाइज़, हम लोग निकलते हैं। हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है, तो अभी हम लोग चलते हैं। और आगे का टूर भी दिखाएंगे। तो हम लोग चलते हैं अभी राजस्थान और के अभी लिए। हमारी पूरी रात गाड़ी चलेगी। और गाइस अभी अभी 11 जहाँ बज हम रहे लोग हैं। चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, जो भी करेंगे करेंगे, जो भी करेंगे वो हम लोग आपको रास्ते में बताते दिखाएंगे। रहेंगे। जो जागेगा वो बताएगा, बाकी तो ठीक है, जिसको सोना है वो सो जाएगा। ओके हाँ। बाय गाइस, ठीक है गाइस, चलो चलो चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं। चलो सो गाइस, हम लोग निकलते हैं आज राजस्थान के लिए। अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी रात के बजे हैं 11, और हम लोग अभी निकलते हैं जाने के लिए। और आज हमारा थॉर नहीं है, थॉर एक्चुअली गया है आज हॉस्टल में, इसलिए हम आपको थॉर बता नहीं पाएंगे। बाकी हमारे जो फैमिली के मेंबर्स हैं, हम आपको उनसे मिलाते हैं अभी, फिर हम लोग निकलते हैं। मम्मी घर पे हैं, मम्मी हाँ जो हमारी कैट्स हैं उनके साथ में रहेंगी और उनका ख्याल रखेंगी, क्योंकि हम लोग मम्मी को लेने जा रहे हैं। वहाँ बहुत ठंडी है और मम्मी को ठंडी सहन नहीं होती है, इसलिए हम लोग अम्मा को मम्मी को लेने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो हम लोग आपको मिलाते हैं हमारे कैट्स फैमिली मेंबर से, और उसके बाद हम लोग निकलते हैं। देखो मम्मी बाय बोल रही है, बाय। बाय। तो गाइस ये देखो टाइगर अपने घर में बैठा है, वो इधर से किकी को देख रहा है, जो किकी प्रियांशी के साथ मस्ती कर रहा है ना। तो इसका नाम है गोरू और ये है मेरा चोरू। गाइस ये देखो जैनू को, जैनू बेचारा मस्त थॉर की कारपेट पे सो रहा है, क्योंकि थॉर नहीं है तो वो इधर ही सोएगा। वो बोलता है कि अब मेरा, ये देखो भाग गया। सो गाइज, अभी बजे हैं सुबह के 5 और हम लोग पहुंच गए हैं उदयपुर। 5 घंटे से ड्राइव कर रहे थे, तो अभी सोचा कि चलो पहले चाय पी ली जाए, चाय पीने के बाद फिर आगे कुंभलगढ़ जाने के लिए निकलते हैं। तो गाइज़ मेरे साथ आए हुए हैं मेरे फ्रेंड वीरेन भाई और उनके सन अमन और भाभी। तो मैं आपको इन लोगों से इंट्रोडक्शन कराता हूँ। सो गाइज देखो, हम लोग उदयपुर सर्कल पे खड़े हैं और ये देखो गर्मा गर्म बन रहे हैं पौवे। और ये इन भैया की दुकान है। भैया क्या नाम है आपका? श्री हीरालाल जी। श्री हीरालाल, हीरालाल जी की दुकान है गाइस। अगर आप सुबह में जल्दी आते हो तो ये सर्कल पर है, और सुबह में बहुत ज़्यादा फ्रेश मलिच्चा सर्कल में, मलिच्चा सर्कल है ये। यहाँ पर बहुत अच्छे चाय और पौवे मिलते हैं आपको गर्म गर्म। तो गाइस ये देखो, ये है मेरे फ्रेंड वीरेन भाई, ये है अमन, ये हमारी भाभी मोना भाभी, और इसको तो पहचानते हो आप लोग जानकी, और ये नीशू। और ये देखो यहाँ बन रही है चाय, और एक्चुअली हम लोगों ने चाय पी ली है अभी। और अभी हम लोग निकलते हैं जाने के लिए। कहाँ निकलते हैं? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़। सो गाइस ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, प्रियांशी नहीं आई क्योंकि उसे ठंडी लग रही थी, उसने बोला गाड़ी में रहूँगी तो ये रही गाड़ी अंदर बैठे, और वो सो रही है। हम लोग उसको दिखाएंगे थोड़ी देर में। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं कुंभलगढ़। अभी देखो, अभी हम लोगों ने लिया है रूम, अभी हम लोग आपको अपना रूम बताएंगे, रूम टूर दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो अभी अभी हम लोग यहां पर पहुंचे हैं रूम के अंदर। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहां पर, तो अभी जाके लिया है ये रूम हम लोगों ने। तो दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, हम लोग आपको अपना रूम टूर दिखाते हैं। सो गाइज अभी हम लोग आए हैं डेरा रिसोर्ट में, जो कि कुंभलगढ़ में है। तो गाइज हम लोग यहाँ अभी आए हुए हैं, काफ़ी सारा क्राउड था गाइज यहाँ पर। अभी हम लोगों ने लिया यहाँ पर रूम है। अभी देखो, अभी मैं आपको अपना होम टूर दिखाता हूँ थोड़ी देर के बाद आपको यूट्यूब पर वीडियो। इससे पहले मैं आपको डेरा का बाहर का व्यू दिखाता हूँ कि डेरा रिसोर्ट कैसा है कुंभलगढ़ में। तो मैं दिखाता हूँ आपको उसको बाहर का व्यू। चलो तो गाइस देखो हम लोग आ गए हैं कुछ। देखो प्रियांशी जा रही है आगे आगे, पूरा फॉरेस्ट व्यू है ना। देखो गाइस कुछ इस तरीके का व्यू है इसका। देखो 25 क्रिसमस का सजाया हुआ है यहाँ पर।
काफ़ी अच्छा है गाइस यहाँ पर, और काफ़ी खुला खुला भी है ये। चलो तो गाइस अभी हम लोग आपको रूम में पहुँच के दिखाते हैं कि हमारा रूम कैसा है डेरा रिसॉर्ट का, किस टाइप का रूम हमें मिला है डेरा रिसॉर्ट में, तो मैं दिखाता हूँ आपको अभी। सो गाइस देखो कुछ बाहर से इस तरीके का टेंट बनाए हुए हैं यहाँ पर, और इस तरीके के फिर कॉटेज हैं। हम लोगों ने भी गाइस टेंट वाला रूम लिया है। देखो कुछ इस तरीके का व्यूज है यहाँ, ये देखो पूरा फॉरेस्ट है। देखो गाइस कितने सारे बैग हैं हमारे, ऐसा लग रहा है कि हम लोग 4-5 महीने के लिए आए यहाँ पर। सो गाइस देखो इस तरीके का ये अंदर से रूम है, ये रूम टूरिस्ट सा है। ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बेड डाला हुआ है इन लोगों ने, ये मेन बेड है। ये इस तरीके का मतलब टेंट, ये टेंट टाइप का है कुछ, खाली ऊपर से ऐसा फील आएगा कि टेंट है, बाकी तो ठीक है। और गाइस ये एक लॉकर दिया हुआ है रूम में, बस एक छोटी सी अलमारी है, बाकी ये चाय कॉफ़ी के लिए है। ये किटली है, पानी की बोतल्स हैं, टीवी है। गाइस ये है बाथरूम, बाथरूम काफ़ी बड़ा है पर ठीक ठाक है। अब आप देखिए, आप बाथरूम बड़ा है पर ठीक ठाक है। सो गाइज इधर ना इसका पुल है, और ये रूम है, प्रियांशी लेके जा रही है मुझे इधर। हाँ ओके गाइज, सो मैं आपको इधर से व्यू दिखाती हूँ। वेट, लुक एट दिस गाइज, कितना सुंदर लग रहा है। गाइज प्रियांशी इधर बैठी है, फोटो सेशन कर रही है, फोटो सेशन। गाइस तो जो यहाँ का जो व्यू है ना, वो आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन रियल में बहुत अच्छा है। गाइस प्रियांशी को पूल में नहाने का मन हो रहा है, बट यहाँ पे बहुत ठंडी है, और पापा ने भी मना किया कि पूल में नहीं नहाना है। ठंडी की वजह से मना किया, बाकी कुछ नहीं, ये जल्दी बीमार हो जाती है इसलिए। सो गाइज आपने देखा कि जहाँ हम लोग जिस रिसॉर्ट में रुके हैं वो रिसॉर्ट अभी फिर कैसा है, हमने आप लोगों को दिखाया इस रिसॉर्ट को। तो गाइज इस ब्लॉग का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर गाइज इसको हम लोग ज़्यादा लंबा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको अभी फिर ना शॉर्ट में ही एंड करते हैं इस ब्लॉग का। फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में फिर दूसरा कुछ बताते हैं हम लोग आपको।